हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज डिस्कस करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ एपीओ के सिलेबस को। बेसिकली एग्जाम की बात करें तो दो स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम होगा जिसकी वेटेज 300 नंबर है, और फिर इंटरव्यू होता है आपका जिसकी वेटेज 30 नंबर है। टोटल आपका 330 नंबर का एग्जाम होता है ये टोटल, ठीक है, जिसपे सिलेक्शन किया जाता है। जो बेसिकली डिवाइड किया गया है, जो प्रश्नों की संख्या देखें, जो क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो 150 क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 300 नंबर का ही प्री एग्जाम है। इसके साथ जो प्री को डिवाइड किया गया है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का आइए, और जो मेजर और माइनर एक्ट्स हैं, ठीक है, उनको 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 200 नंबर के होंगे। तो बेसिकली अगर देखेंगे आप तो 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर है, 300 नंबर टोटल प्री की वेटेज है। जीएस की बात करें तो जनरल नॉलेज में आप क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात की गई है, फिर हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ आएगा, उसके साथ ही कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन नेशनल मूवमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपके कवर होंगे वो फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात की गई है विथ स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट के फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात है। फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, लोकल गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड पंचायती राज। फिफ्थ टॉपिक आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, उसके लेकिन आपको छत्तीसगढ़ बेस ज़्यादा पढ़ना होगा इसके लिए। फिर आता है आपका ट्राइब्स, स्पेशल ट्रेडिशन, तीज एंड फेस्टिवल, डांस, आर्कोलॉजिकल एंड टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, मतलब स्पेशली आपको जो जीएस देखा गया है वो स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ ज़्यादा दिया गया है। उसके बाद करेंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की बात करें उसमें भी आपको देखने को मिलेगा स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड छत्तीसगढ़ की बात की गई है। और लास्ट जो टॉपिक आएगा आपका सब्जेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग है। लॉ के सब्जेक्ट की बात करें तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, मेजर एक्ट्स और माइनर एक्ट्स में। मेजर एक्ट्स में देखें तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पूरा नहीं पढ़ना, उसमें पार्ट 3rd जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, पार्ट 4th जो है डीपीएसपी की बात करता है वो पढ़ना है आपको, पार्ट 5 प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट, यूनियन जुडिशरी, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट इन स्टेट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आईपीसी का है, ठीक है, वो पूरा पढ़ना है आपको, फिर सीआरपीसी वो पूरा पढ़ना है आपको, और लास्ट सब्जेक्ट जो मेजर एक्ट का है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि आपको पूरा पढ़ना है। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस केस में अन अकेडमी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो उस केस में आनंद सर लाइव कोड यूज़ करते हैं जिसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा। पेड क्लासेस के साथ अन अकेडमी आपको फ्री क्लासेस भी देता है जो कि लाइव होती हैं, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिसप्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड और एविडेंस सेट के अलावा अदर क्लासेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी। यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, आपके क्लास के बीच में ही पोल का ऑप्शन आता है, रेज अ हैंड का भी ऑप्शन यहाँ पे लाइव क्लासेस में दिया गया है कि कोई भी डाउट हो तो ऑन द स्पॉट आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन आपकी अवेलेबल रहेगी हमेशा। लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको क्लास के बाद अवेलेबल होते हैं, और आप कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, कभी भी क्लास ले सकते हैं आप। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडियाज़ के बेस्ट एडुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके साथ ही आपका जो पीडीएफ फॉर्म है वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाता है हर क्लास का। 1 सितंबर से एब्सोल्यूट लॉ 1.0 वन ईयर इंक्लूसिव बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल होने वाली है, जिसमें आनंद मिश्रा सर, हर्ष बिहारी सर और डी के राय सर लेंगे इस बैच को। T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि आईपीसी मंडे, सीआरपीसी ट्यूजडे, सीपीसी वेनसडे और एविडेंस एक्ट थर्सडे को 9 से 9:30 क्लासेस होती हैं। इसके बाद फ्राइडे को मिक्स सब्जेक्ट का एमसीक्यू कंडक्ट कराया जाता है। पेड सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें जो कि 1 महीने से लेके 24 महीने तक अवेलेबल है,
तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें, लेकिन अगर आप आनंद सर लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्लान हो तो उसमें आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ ही यूट्यूब पे भी अनअकैडमी जुडिशी लाइव क्लासेस कंडक्ट कराता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। मेजर के बाद माइनर एक्ट्स की बात करें तो माइनर्स एक्ट आपके जो देखने को मिलेंगे टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसे आप पढ़ना है छत्तीसगढ़ एपीओ के लिए। सर पहला आता है उसमें छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 का, जिसे पूरा पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा है आईटी एक्ट 2000, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12 और 13 पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जिसे पूरा पढ़ना है वो है आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है, इसे पूरा पढ़ना है आपको। फिर आपका नारकोटिक ड्रग वाला जो एक्ट है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आर्म्स एक्ट पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006 का एक्ट जो है वो पूरा पढ़ना है आपको। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पूरा पढ़ना है आपको। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट पूरा कवर करना है। इसके बाद आपका आता है द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसे जिसका आपके तीन ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 3, 4 और 6। उसके बाद आता है आपका जो छत्तीसगढ़ शैक्षिक संस्थानों में प्रताड़ना रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम 2001 की बात करता है, इसे पूरा पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, ये पूरा पढ़ना है आपको। फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967, ये आपका कंप्लीट एक्ट पढ़ना है आपको। फिर है आपका छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005, ये आपको कंप्लीट करना है। और लास्ट जो माइनर एक्ट्स में सब्जेक्ट है वो है आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर क्रिमिनल 2005, ये कंप्लीट करना है। तो बेसिकली अगर देखें आप तो 14 में से 12 एक्ट्स जो पूरे कंप्लीट करने हैं, और आपका जो आईटी एक्ट है 2000 का उसके कुछ चैप्टर्स हैं, और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के 3 चैप्टर्स आपको माइनर में कवर करने हैं। इसके साथ ही कोई भी डाउट हो आपको एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।